हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत राजपूत केस पर एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद ने कहा, दाऊद के अंडरवर्ल्ड ने कराई सुशांत की हत्या। हत्या के पीछे ड्रग्स का जाल है। रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद बोले, पूर्व मैनेजर दिशा की मौत का भी सुशांत केस से कनेक्शन है। एनके सूद के मुताबिक दिशा की मौत के बाद ही सुशांत का जाना तय हो गया था। एनके सूद ने कहा, पूरे केस में मुंबई पुलिस की जांच संदेह के घेरे में है। बिना जांच किए सुशांत की मौत को सुसाइड मानना सबसे बड़ी गलती थी। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर भी खुलासा हुआ है। जिस गौरव आर्या ने रिया को ड्रग्स बेचे थे, उसका भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन सामने आने का दावा। रिया चक्रवर्ती ने कहा, मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। मुंबई पुलिस नहीं दे रही है सुरक्षा। कहा, घर के बाहर होता है हंगामा। रिया के बयान के बाद मुंबई में उनके घर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस वाले ने एबीपी न्यूज से कहा, ईडी ने परिवार के सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया है। सुशांत राजपूत के पिता के सिंह ने कहा, रिया चक्रवर्ती उनके बेटे को जहर दे रही थी। रिया को फौरन गिरफ्तार किया जाए। सुशांत केस में रिया के परिवार पर कस रहा है सीबीआई का शिकंजा। आज सीबीआई ने रिया के भाई शोभिक से पूछताछ की। रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए नारकोटिक्स की एक टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची। आरोप है कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स दिए। सुशांत के पैसों पर ऐश की गई। मुंबई एयरपोर्ट पर सुशांत के रहस्यमय दोस्त संदीप एबीपी न्यूज के सवालों से डरकर भागे। मौत से पहले सुशांत और संदीप के बीच बंद हो गई थी बातचीत। सुशांत केस में बीजेपी नेता राम कदम बोले, पूरे मामले में बिल्डर इम्तियाज खत्री चुप क्यों हैं? इम्तियाज के सुशांत के साथ वीडियो वायरल हैं, फिल्मों में भी पैसा लगाते हैं इम्तियाज खत्री। अभिनेता निर्देशक महेश मांजरेकर को 35 करोड़ की फिरौती देने की धमकी मिली। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के नाम से डराया गया, एक आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के नागपाड़ा में बिल्डिंग की छत का हिस्सा गिरने से हादसा हुआ। मलबे में कई लोग दब गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के झांसी में सुकनई नदी में बह गया सामान ढोने वाला ट्रैक्टर। ट्रैक्टर सवारों को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। टूटता पहाड़ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अब बाढ़ बारिश की आफत हिमाचल प्रदेश में आई। कुल्लू के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। धारा गांव में तो पानी में कार बह गई। हिमाचल के मंडी में तेज बारिश के बाद नेशनल हाईवे 3 पर आवाजाही ठप हो गई। क्रेन की मदद से मलबा हटाया गया। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद नदियों में पानी भर गया है। जम्मू की तवी नदी की वजह से निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के बीचों बीच लहरों में फंस गया एक शख्स। एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर जान बचाई। ओडिशा के नयागढ़ में महानदी में दो बैलों के साथ एक किसान बह गया। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। एमपी के कटनी में बुजुर्ग महिला को 5 किलोमीटर तक चारपाई पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। इलाके में सड़क ना होने से परेशान है लोग। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लगी है ट्रकों की लंबी लाइन। पहाड़ी रास्तों पर चट्टाने टूटने की वजह से बार बार बंद हो रहे हैं रास्ते। गुजरात के भरूच में बारिश के बीच दीवार गिर गई। दबकर दो लड़कियों की मौत हो गई। परिवार के 3 और लोग घायल हुए। बेंगलुरु में नारकोटिक्स विभाग ने छापा मारकर 1 करोड़ के ड्रग्स
जब्त किए हैं। इस रैकेट से कई बड़े सितारे और नेताओं के जुड़े होने का दावा। आंध्र प्रदेश में बदमाशों ने एक कंटेनर ट्रक से 2 करोड़ के मोबाइल फोन लूट लिए। मुंबई लाई जा रही थी मोबाइल की खेप। यूपी के फिरोजाबाद में भीड़ का बड़ा हंगामा। जमीन विवाद की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया, पत्थर बरसाए। विराट कोहली और अनुष्का के परिवार से आई गुड न्यूज। कोहली ने अनुष्का के साथ तस्वीर शेयर की और लिखा, 2021 में हम 2 से 3 हो जाएंगे। इंटरनेशनल डॉग्स डे पर कुत्तों के साथ मस्ती करते दिखे धोनी। धोनी की पत्नी साक्षी ने सोशल मीडिया पर जारी की तस्वीरें।